बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ कामरान अली हरपर एंड यू आर वाचिंग कामरान अली हरपर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन विथ यू एंड अदर मोटिवेशन स्टोरी। तो गाइस, हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की तरफ चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ वो आपको मिलते रहें। तो गाइस, चलते हैं अपनी मोटिवेशन स्टोरी की तरफ। ओके, मोटिवेशन स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि अफ्रीका का जंगल था, वहाँ पे एक हिरन था, जो जंगल में घूम रहा था। अचानक उस हिरन की नज़र एक बूढ़े से शेर पे पड़ी। जिसने उसने उस बूढ़े से शेर को देखा, वो भी इसको तड़ा हुआ था कि आज इसका शिकार करना है। हिरन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा दी। बूढ़ा सा शेर जो था वो भी इसके पीछे भागा। हिरन आगे, शेर पीछे, भागते हुए अचानक हिरन ने एक लंबी सी छलांग लगाई। एक बहुत बड़े जंगल में जो दरख्त होते हैं, बहुत से बड़े दरख्त जो जंगल के होते हैं, या ये समझ लें कि गार था, जंगल में गार था, वहाँ छुप गया और शेर वहाँ तक नहीं पहुँच सका। वो जो बूढ़ा सा शेर था वो वापस लौटा। वापस जैसे आ रहा था तो ये सारा मंजर एक जवान शेर एक जबल से देख रहा था। तो जैसे उस जबल के करीब पहुंचा बूढ़ा सा शेर, तो उस जवान शेर ने बड़ा सा कहका लगाया, उसमें हंसा, तो तंजिया स्टाइल से कहा, चाचा लगता है आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपसे शिकार नहीं होगा, आज इसलिए आप हार गए। तो उसने बूढ़े से शेर ने उसको देखा और अपने बड़े से बालों को थोड़ा सा लहराया और फिर उसे कहा कि बात हार और जीत की नहीं थी, बात थी मकसद की, बात थी तो मकसद की, इसमें कहीं पे भी हार जीत का कोई भी आसर नहीं था, बात थी मकसद की। हिरन का जो मकसद था वो था उसे अपनी जान बचानी थी, और मेरा जो मकसद था वो था कि मुझे शिकार करना है। और हुआ ये कि उसका मकसद मुझसे ज़्यादा मजबूत था, इसलिए आज वो जीत गया, और मेरा मकसद शायद उससे कम था, इसलिए मैं आज हार गया। सो पॉइंट इज दैट कि बात हार या जीत की नहीं होती, बात ये होती है कि जो आपने मकसद लिया है उस मकसद में कितनी ताकत है, उस मकसद की नीयत क्या है। अगर उस मकसद की नीयत अच्छी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल बी सक्सेस, लेकिन उस मकसद की नीयत अच्छी नहीं है, वो मकसद इतना पावरफुल नहीं है, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। उम्मीद है कि आपको ये मोटी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया दरअसल होती है मकसद के शऊर की। अगर आपके मकसद में कोई शऊर है, आपने जो मकसद चुना है वो आपने शऊरी में चुना है, लाशऊरी में नहीं चुना। अगर आपके मकसद में कोई ताकत है, आपके मकसद में कोई पावर है और आपका मकसद की नीयत अच्छी है, आप जीत सकते हैं। अगर आपके मकसद में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप नहीं जीत सकते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।